जय श्री श्याम सबको। तो आज मैं सिर्फ थोड़ा एक हम लोग पहले क्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लॉक है, मैं एक मिनट मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ। ये देखिए ये क्लॉक का कटआउट है, लेकिन अगर आप कटआउट नहीं करा पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं इसका साइज ग्रुप में मेंशन करती हूँ। कल इसी में फेसबुक पे मैं डाल दूंगी इसका साइज। मेजरमेंट टेप लाना पड़ता है, मैं साइज अभी बता ही दे रही हूँ इसका। तो इस साइज का हम प्रिंट आउट करके उसके ऊपर हम ट्रेस करके उसके ऊपर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें कटआउट चाहिए। ठीक है, हम रेक्टेंगल फ्रेम पे भी बना सकते हैं इसको। मेरे पास कटआउट था इसलिए मैं कटआउट पे बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसका मेजरमेंट भी बता दे रही हूँ आपको कि हमको कितना बड़ा रेक्टेंगल प्लाई लगेगा। और ये असल में ये MDF पे है मेरी कटिंग, लेकिन इसमें आप प्लाई भी ले सकते हो। और ये 12 mm का है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो 12 mm तो लेना ही है हमको, है ना, उससे कम ना ले तो बेहतर है। और ये इसका साइज मैं बता रही हूँ आपको, आपको अगर ये करना है मतलब रेक्टेंगल प्लाई लेनी है बस और बोर्ड लेना है और कटआउट नहीं करवाना है और उस पर ड्रॉ करना है, तो हमको रेक्टेंगल जो बोर्ड रहेगा हमारा 28 इंच का रहेगा, 28 इंच वेट, और इसकी हाइट रहेगी अप्रोक्सीमेट 18 इंच, 28 बाय 18 इंच का ही रहेगा। ठीक है, और हमको अगर प्रिंट आउट कराना है तो प्रिंट आउट हम करवा सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए भी आपको 26 बाय 17 इंच का प्रिंट आउट होगा ये। ठीक है, अगर आप प्रिंट आउट करवाते हैं और ड्रॉ करना है तो ये हमारा जो 26 बाई 17 इंच का प्रिंट आउट होगा। ठीक है, तो ये हमको करवाना पड़ेगा। इस पे मैं इमल्शन अप्लाई करूंगी, ये इमल्शन होता है, और अगर किसी के पास इमल्शन नहीं है पेंट है व्हाइट तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ठीक है, ये मैं अप्लाई करूंगी इसको, बस जस्ट ऐसे ही अप्लाई करना है, मैं बता दे रही हूँ। वैसे हमारी और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस हुई है, उसमें सबको पता ही है। एक मिनट, कंटेनर ओपन नहीं होता, ये ऐसा होता है। ठीक है, और इसको बस हमको जैसा सिर्फ ऐसा अप्लाई करना होता है। तो मैं इस तरह से इमल्शन पूरी दूर लगाकर रखूंगी। ठीक है, इमल्शन पूरी दूर लगाकर रखूंगी मैं, तो ये मैं करके रखूंगी। अब मैं हम इसके ऊपर जो वर्क करेंगे, या तो हम मार्बल क्ले से करेंगे या पेपर मैची क्ले से। तो मार्बल क्ले भी मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो है, और पहले मैंने कुछ क्लासेस में ये मैंने बताया भी है कि मार्बल क्ले कैसे बनाना है और पेपर मैची क्ले कैसे बनाना है। ठीक है, तो जिसके पास जो भी अवेलेबल है वो उससे बना सकते हैं। ये मार्बल क्ले है, थोड़ा सा क्रीमी शेड में मार्बल पाउडर आया था इस बार, नहीं तो वैसे व्हाइट होता है, तो उससे मार्बल क्ले बना हुआ है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि मार्बल पाउडर में सिर्फ फेविकॉल ऐड करना होता है, कोई भी ब्रांड का फेविकॉल आप ऐड कर सकते हो। और जैसे हम लोग डो बनाते हो, रोटी के लिए डो बनाते हैं इसका, वैसे ही डो इसका बनना है। ठीक है, तो ये मार्बल क्ले है, इससे भी हम बना सकते हैं, तो हम और पेपर मैची क्ले से भी बना सकते हैं। पेपर मैची क्ले यानी ये चॉक पाउडर वाला क्ले, ठीक है, वो भी मैंने बनाकर रखा हुआ है। वो थोड़ा सा ग्रे शेड पे है, चॉक पाउडर ग्रे कलर का होता है,
तो इसमें इसका भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे भी है और Facebook पेज पे भी है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये आप तैयारी कर कर रखिएगा। तो हम कल से क्लासेस फिर से अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। मैंने थोड़ा सा ये ड्रॉ किया है तो मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है इसका। आप लोग प्रिंट आउट कराएंगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, कार्बन रख के प्रिंट आउट रख के आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ ये वाला मैं पिक सेंड कर रही हूँ, ये वाला मेरा मिस हो गया था, मैंने जो बनाया था इसी पे से बनाया था, तो मैं ये वाला पिक सेंड करूंगी। आप इस पे से प्रिंट आउट कराएंगे और इसी पे से कट आउट कराएंगे, ठीक है। तो ये वाली पिक है और कोशिश करेंगे हम कलर कॉम्बिनेशन भी ये वाला देंगे। तो मैं ये पीक ग्रुप में हम लोग अभी पेपर मेशी क्ले से बनाएंगे। पहले मैं ड्रॉ थोड़ा सा और बचा है वो कर ले रही हूं। ये इधर से इसकी जैकेट आ रही है, सही ये जैकेट आ रही है, तो ये बैक साइड भी थोड़ा सा दिख रहा है, ये जैकेट ऐसे है और ये वाला दुपट्टा आएगा इसका यहां से यहां तक, ठीक है। और ये भी थोड़ा मेरा गड़बड़ ड्रॉ हो गया है, ये यहां से आएगा पहला राउंड। और ये जो लाइट दिख रहा है ना ये नोटिस नहीं करेंगे, ये मैंने पहले किया था लेकिन वो मुझे रॉन्ग लगा। मैंने उसके ऊपर इमल्शन करके कोशिश भी की थी उसको मिटाने की लेकिन वो नहीं मिटा कि वो दिखे नहीं, लेकिन वो फिर भी उभर के आ ही रहा है क्योंकि मैंने पहले भी मार्कर से किया था ड्रॉ ताकि आप लोग को वीडियो में क्लियर दिखे, इसीलिए है ना। और बाकी की भी मैंने ये देखिए, बाकी मैंने ये लेडी केस में भी ड्रॉ किया है। ये पीक में देखकर ही मैं ड्रॉ कर रही हूं। ये ब्लाउज का यहाँ पे एंड है, एल्बो जहां आएगा वहीं पर ब्लाउज का एंड है और ये कमर वाला हिस्सा है। और यहाँ पे भी साड़ी दिख रही है तो हम लोग यहाँ पे साड़ी का ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह ये पीक में देख के, आपके पास तो प्रिंट आउट आप कराएंगे तो आपको सबको बहुत इजी हो जाएगा लेकिन मुझे मैंने ऐसी फ्री हैंड ड्रॉ किया इसको। पेपर मेशी क्ले से हम लोग करेंगे। मैंने कल लिंक सेंड की थी, व्हाट्सएप ग्रुप में तो सेंड कर दी थी मैंने लेकिन इसमें फेसबुक पे मैं सेंड नहीं की हूँ। फेसबुक पे भी मैंने पहले तो सेंड किया है और मेरा वीडियो भी है इसमें लेकिन मैं फिर से सेंड कर दूंगी, इसमें शेयर कर दूंगी।
यूट्यूब की लिंक भी, तो यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएंगे देखने, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या करती हूँ कि ऑयल लगा लेती हूँ हाथ में, बार बार चिपकता है, फिर हैंड क्लीन करने पड़ते हैं बार बार। हम ये सबसे लास्ट में बनाएंगे, पहले हमारा बॉडी का पार्ट्स बनेगा। ये हमने ड्रॉ तो किया है, लेकिन हम जब ये करेंगे तो उस पर क्ले आ जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन एक बार हमको ड्रॉ इसलिए करना होता है कि ताकि हमारे ध्यान में रहे कहाँ से हाथ जा रहा है, कहाँ से क्या चेस्ट आ रहे हैं, कहाँ से ब्लाउज है, साड़ी है, ये चीजें हमारे इसमें रहती है। फिर ये मैंने पेपर में शीट ले लिया, इसमें बहुत ज्यादा भार देके नहीं है। पहले हम बॉडी का पार्ट बनाएंगे, पानी का हाथ लगा के इसको कैमरा थोड़ा मोटा बना के, हाँ ब्रश का बॉक्स है, ब्रश का डिब्बा है वो दे देना। कोई भी नाइफ से भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे पेट वाला भाग थोड़ा दबा रहेगा और ये फेस वाला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, तो यहाँ का क्ले मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। यहाँ पे केस में हम थोड़ा सा क्ले और ऐड करेंगे, वीडियो वगैरह ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या प्लीज मुझे मेंशन करेंगे कमेंट में।
नाइफ की सहायता से उसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। थोड़ा मैंने पानी में जो भी टूल हम यूज करते हैं उसको पानी में डिप करके यूज करना है। और जहां भी हमको क्ले लगाना है वहां पे प्लीज फेविकॉल जरूर लगाएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी ज्यादा लोग जुड़ पाए। ये असल में आदिवासी लुक है इसलिए इसमें आईज नोज ये वगैरह नहीं मतलब हमको बनाने हैं, सिर्फ ऐसा ब्लैक कलर के फेस और ब्लैक कलर का ही बॉडी इसका बनेगा। पेपर मेशी क्ले से क्या होता है, 3D इफेक्ट बहुत अच्छा हम दे सकते हैं, जितना चाहे जितना 3D हम दे सकते हैं इसको। ये साइड से हमको थोड़ा सा प्रेस करना है, बीच से हमारा ये उभरा हुआ रहेगा, लेकिन ये साइड फेस है तो थोड़ा इस साइड से भी उभरा हुआ रहेगा, इधर से दबा हुआ रहेगा। हाथ में पानी लेना है और स्मूथ करना है इसको। और ये कटआउट है इसलिए इसमें ये परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रिंटआउट से मतलब पूरा रेक्टेंगल बोर्ड लेते हैं और उसपे कर रहे हैं तो ट्रेसिंग जो करेंगे आप तो ट्रेसिंग के अंदर ही काम करेंगे, ट्रेसिंग के बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ा नेक वाला भाग भी हल्का सा दबा हुआ होता है तो यहाँ पे थोड़ा कम क्ले लगाएंगे। ये यहां से हेयर से इसको मैंने थोड़ा देखिए प्रेस किया है,
ये थोड़ा, क्योंकि ये बालों वाला भाग थोड़ा सा उठेगा, इसलिए इसको मैंने यहां से हल्का प्रेस कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा चेस्ट वाला भाग उठा रही हूं। क्ले पे अगर हम क्ले से काम कर रहे हैं तो पानी से भी वो मर्ज हो जाता है, वहां फेविकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन बोर्ड पे हम जब डायरेक्ट क्ले लगा रहे हैं तब वहां फेविकॉल लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे से ये हाथ आ जाएगा। मैं सिर्फ एक निशान बना के रख रही हूं क्योंकि क्ले अभी गीला है तो हम बना सकते हैं। यहाँ ब्लाउज का एंड है, यहाँ पे ये ब्लाउज का, ये स्लीव्स का सॉरी एंड है, ये ब्लाउज का एंड है। यहाँ पे और यहाँ पे साड़ी आएगी। हम बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे ताकि सब लोग साथ में काम कर पाए, है ना। ये इसमें जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा चला गया है उसको मैं ये नीडल से ऐसे कट कर ले रही हूं। ये वाला हाथ तो मैं अभी बना ले रही हूं, ये हम यहाँ पे पहले साड़ी बनाएंगे और फिर बनाएंगे, इसलिए ये वाला हाथ बना ले रही हूं अभी।
एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। क्लियर। यहीं तक लगाएंगे पहले। कल राशि जी का मैसेज मैंने पढ़ा था कि और भी इसके अलावा क्या क्या है। मैंने सारे फोटोज सेंड किए हैं राशि जी इस ग्रुप में, तो आप प्लीज देखिए। इसको यहां मर्ज करेंगे और फिर ये साड़ी आ जाएगी यहां पे। केस वाला भाग थोड़ा सा हम और उठाएंगे और वैसे भी उस पर साड़ी आएगी तो और वो उठेगा। इसको ऐसे हमको गोलाई देनी है। एल्बो में थोड़ा सा यहाँ क्ले ऐड कर रही हूँ। और जो भी लाइव है प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे। आप वीडियो को शेयर करते हैं और भी लोगों को जोड़ते हैं, यही हमारी फीस होती है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है और कुछ नहीं। है ना। यहां से ऐसे साड़ी जाएगी, इसलिए मैंने यहां का थोड़ा सा क्ले फिर से हटाया।
साड़ी हम कल डालेंगे, क्योंकि ना अभी मैं अगर उसमें इम्प्रेशंस दूंगी साड़ी के वगैरह तो वो ये वाला हमारा भी गीला है तो ये दबेगा। ये ऐसा जो ऐसी मुद्रा में है वो तो वैसे ही हमको ऐसे में क्या होता है ये वाला पोर्शन हमारा उठा हुआ होता है, ऐसे ही शो करना है इसको और दिखने में सिर्फ एक फिंगर और एक थंब इतना ही दिखता है। थोड़ा सा क्ले ज्यादा है ये देखिए, और ऐसे ही थंब के लिए हम लेंगे एक मिनट थंब के पहले एक ये हम यहाँ पे एक फिंगर बनाते हैं, क्योंकि ये ऐसा दिखता है तो थोड़ा सा ऐसा वाला लुक आता है उसका। तो पहले ये यहाँ हम ऐसे फिंगर बनाएंगे और फिर थंब देंगे। अब हम थंब बनाएंगे। ये फिंगर इधर से ऐसे हो जाएगी और फिर उस पर ये थंब आ जाएगा। थंब का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हमारा उभरा हुआ दिखेगा तो वहां पे क्ले और ऐड कर रही हूं। Thank you.
ये ऐसे थंब वाला पोर्शन ऐसे जाता है और ये वाला ऐसे। यहाँ पे जैसे दो फिंगर्स जा रही है ऐसा शो कर रहे हैं, तो मैंने एक बीच में उसी में कट लगा दिया। ठीक है, तो ये हम कल साड़ी और बाकी का हम लोग कल करेंगे। तो आज का हम इतना ही करके क्लोज करते हैं सेशन, फिर कल इसी टाइम पे मिलते हैं। ओके।